अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मोहसिन अली और मैं आज आपको बताने लगा हूँ कि इंस्टेंट वाटर हीटर किस तरह इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, ये मेरे पास गीज़र है एक, ये इसके साथ एक्सेसरीज हैं, दो पाइप हैं इसके साथ, ठीक है, और बाकी इसकी नोज़ल वगैरह है गैस वाली, ठीक है, और इसकी थ्री जो सी हैं होते हैं पाइप की नोज़लें होती हैं इसकी, ये जो सी सबसे लेफ्ट साइड वाला ये गैस का है, सेंटर वाला जो सा आउटपुट है वाटर का इनलेट, ये जो सा है वाटर का इनलेट है सबसे राइट साइड वाला, ये आपने याद रखना है। कुछ मॉडल के साथ या कुछ जो भी कंपनीज हैं वो अपना यहाँ पे इसका जो सा है बताते हैं ऊपर, ये देखिए वाटर इनपुट, वाटर आउटपुट और गैस इनपुट, यानी कि ऊपर उन्होंने बताया भी हुआ है। ठीक है, अच्छा मैं आपको ये बताना चाह रहा था, गीजर इंस्टॉल करने से पहले आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है। आपने सबसे पहले चेक करना है कि आपकी गर्म लाइन कौन सी है और ठंडी लाइन कौन सी है। अब ये देखें आपके सामने दोनों पाइप से पानी आ रहा है, तो आपने ये चेक करना है कि इसके अंदर आपकी गर्म की कौन सी है और ठंडी कौन सी है। ठीक है, सबसे बड़ा इशू यही आता है, जब तक पानी ठंडे वाला क्रॉस ना हो और गर्म लाइन खाली ना हो, इंस्टर गीजर किसी सूरत भी नहीं चलता है इसके साथ। इंस्टर गीजर का डिज़ाइन ही ऐसा है। ठीक है, आपको मैं आपको बताऊँगा, ये देखिए ये टैब देख रहे हैं आप, ये टैब अगर तो आपको 100% यकीन है कि आपका जो सा कहीं भी पानी मिक्स नहीं हो रहा, और आपने चेक करना आपकी गर्म लाइन कौन सी है और ठंडी लाइन कौन सी है। आपने लेफ्ट टैब और राइट टैब बंद करेंगे तो आपको जो सी गर्म लाइन है, अगर तो आपका सेपरेट वॉशरूम है, सेपरेट इंस्टेंट गीजर का कनेक्शन है, तो आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर गर्म लाइन कौन सी है और ठंडी लाइन कौन सी है। अभी मैंने शावर के जो मिक्सर बंद किए हैं, जो फ्लिप वाला होता है यानी कि जो घुमाने वाला होता है, उसके अंदर ऐसा इशू नहीं होता। इशू आता है जो टैब घुमाने वाली, गोल घूमने वाली होती है, जो इस तरह आपको नज़र भी आ रही है, इसके अंदर इशू आता है मिक्सर का। ठीक है, ये मैंने लेफ्ट साइड यानी कि मिक्सर गर्म साइड वाला बंद कर लिया है। ठीक है, और ये आपका मिक्सर बंद हो गया, यानी कि गर्म लाइन कन्फर्म है कि ये आपकी लेफ्ट साइड वाली गर्म है। ठीक है, और ये ठंडे वाली है। ऑलरेडी मैं ये इंस्टॉल कर चुका हूँ, इसको लगा चुका हूँ दीवार पे। ठीक है, और पाइप के कनेक्शन मेजर यही मसला आता है कि आप इसको किस तरह आपने इसको करना है। आपका ये कंफर्म हो गया है, इसके गर्म और ठंडी लाइन अलग अलग है, आपने ये क्लियर कर लिया है, यानी कि ये गर्म लाइन क्लियर यानी कि खाली है, ये खाली होनी चाहिए। ठीक है, ये है ठंडे वाली, ये वॉल भी लगा हुआ ऑलरेडी मैं फिटिंग कर चुका हूँ। ठीक है, ये बंद करने से बंद हो रहा है, यानी कि ये ठंडी लाइन है। ठीक है, अच्छा मैं इस टाइम जो सर ठंडे वाला कनेक्शन मैंने कर दिया है, यानी कि सबसे राइट वाले वाटर इनपुट में ये मैंने कर दिया है कनेक्शन। ठीक है, इसका चेक करने का तरीकाकार ये है कि आपको इससे पता चले, ये वॉल खोलेंगे तो ये स्पार्किंग करना शुरू कर देगा, यानी कि गीजर हमारा ऑन हो गया है, और वॉल बंद करने से बंद हो रहा है, यानी कि ये हमारा बिल्कुल ठीक जगह पे लगा है, वाटर इनलेट जो सा है, यानी कि वाटर इनलेट के अंदर वाटर को इन करना है। मैंने ये इसको थ्री जो से आपको पॉइंट बताए थे, ठंडे वाला, ये ठंडे वाला, गर्म वाला और गैस पाइप, गैस पाइप पे मैंने इन पे इन कर दिया, गैस को सप्लाई कर दी, और ये गर्म वाला पे इसको भी मैंने कनेक्शन कर दिया। ठीक है, गैस आप ऑन कर देंगे, पानी भी ऑन है। ठीक है, ये लेफ्ट राइट आपके मिक्सर बंद है, तो ये आपका गीजर में ये टैप मैंने ऑन की, और ये टैप ऑन करने से आपका गीजर ऑन हो गया। ठीक है, और ये मैंने टैब ऑफ की, और ये टैब ऑफ करने से ये देखें मैंने ये टैब ऑफ किया, गीजर भी आपका ऑफ हो गया। ठीक है, यानी टैब ऑन करने से ऑन हो रहा है, ऑफ करने से ऑन हो रहा है, यानी कि हमारा मतलब है कि गीजर हमारा बिल्कुल ठीक इंस्टॉल हुआ है।